मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल मेरे दोस्त जितेश के साथ मौजूद हूं, जो पेशे से एक वकील है। जितेश, आपने जॉली एलबी देखी, आपको कैसी लगी जॉली एलबी 2 फिल्म, बताइए उसके बारे में। ये फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा पहले कि जिस तरह से यह पेशा है उस तरह से ये मूवी बहुत ही प्यारे ढंग से बनाई गई है और इस पेशे को प्रॉपरली फ्रेम करके बनाया गया है। और इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी हद तक जैसे हमारे पेशे में होता है प्रॉपरली दिखाया गया है, परफेक्ट है। और अक्षय कुमार इसमें जैसा रोल किए हैं वो बेस्ट है एज एन एडवोकेट का। आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने जॉली एलबी भी देखी होगी और ये फिल्म भी देखी होगी, उसमें अरशद वासी थे और इसमें है अक्षय कुमार, तो क्या लगता है कुछ चेंजेस ज़्यादा लगा या वो फिल्म ज़्यादा बेहतर थी, ये थोड़ी उस तरह से कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? इस बारे में बोलने से पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि मूवी कंपेयर करने के लिए नहीं करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि मूवी हर मूवी जो होती है अपने में एक अलग ही रूप की होती है, तो यह मूवी उस मूवी से बेटर नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी एक हद तक बहुत अच्छी है। और वो मूवी भी थी जो जॉली एलएलबी थी जिसमें अरशद वारसी ने खूब अच्छे तरह से निभाया था रोल एडवोकेट का, इसमें अक्षय कुमार ने निभाया है वो रोल। लेकिन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो वो मूवी थोड़ी सी अपर एज थी क्योंकि उसकी स्टोरी कुछ और स्ट्रॉन्ग थी, ये थोड़ी अलग सी स्टोरी है। लेकिन दोनों मूवी एज एन कंपेयर करने जाएँ तो दोनों अपने जगह पर बेस्ट हैं। जितेश, आप खुद एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, और जो सिचुएशन दिखाई गई फिल्म में, अनु कपूर जो एक नेगेटिव रोल में, थोड़ा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, अपोजिट साइड में रहते हैं, प्रमोद माथुर का रोल निभाते हैं, वो किस तरह से नोकझोंक करते हैं, उसके बाद सौरभ शुक्ला जो जज रहते हैं वो किस तरह से बीच में रोकते हैं उन्हें, या किस तरह से जो नोकझोंक होती है क्या कितना सही लगता है, ऐसे होती है चीज़ें या फिर बस फिल्में में ऐसे दिखाते तो ऐसा हमें लगता है सच, क्या ऐसा कुछ रियल में होता है कुछ ऐसा? रियल लाइफ में इतना नहीं होता जितना दिखाया गया है क्योंकि एज एन मूवी, मूवी में कुछ बोलते हैं मसाला मिलाया जाता है क्योंकि मूवी में एंटरटेनमेंट पब्लिकों का उस वजह से, और होते हैं नोकझोंक होते हैं लेकिन एडवोकेट्स में होते हैं ज्यादातर, प्लस नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ये वगैरह में। लेकिन ये जो है जजेस का जैसा रोल दिखाया गया है वो उतना नहीं काबिले तारीफ बोलते हैं एज एन मूवी के लिए है, एज एन रियल लाइफ के लिए उतना नहीं, लेकिन ठीक है जो भी दिखाया गया। एक और आखिरी सवाल आपसे ये पूछा जाता हूँ कि इसमें प्रमोद माथुर का बहुत अच्छा रोल था जो अपोजिट में था अनु कपूर ने, जो काफ़ी रोल प्ले किया था, बहुत तहजीब से बात कर रहे थे, बातों को घुमा रहे थे कि पेप्सी और प्रमोद अपना फॉर्मूला कभी नहीं बताते, बहुत सारे आप लखनऊ में हो आप तहजीब से बात करो, क्या इतनी ही तहजीब से बात होती है या फिर किस तरह से बातें होती है फॉर्मल वे में होती है, कुछ इस पर बारे में बोला पाएं? ये तो एज एन प्रोफेशनलिज्म है, कोई भी प्रोफेशन हो तो हर प्रोफेशन में एक अलग ही तरीका होता है प्रोफेशनलिज्म निभाने का, तो एज एन एडवोकेट में एज एन जब हम होते हैं कोर्ट में, कोर्ट का तरीका अलग होता है, हम झगड़ा करें लड़ाई करें बोलते हैं ना पॉइंट्स पे अप डाउन हो, लेकिन जो होता है रियल लाइफ में हम एज एन गुड फ्रेंड होते हैं जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, और यही बताना चाहूँगा बस। एक आखिरी सवाल मुझे आ रहा है, आपने फिल्म का ट्रेलर देखा हो तो आपने ये देखा होगा कि 3.5 लाख केसेस पेंडिंग है, सिर्फ 21,000 जजेस है और केसेस बहुत पेंडिंग हो, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कुछ, क्या जो मैसेज था फिल्म का कि ट्रूथ तो ज़रूर है, बिल्कुल सच्चाई ज़रूर है, कोर्ट में सच्चाई के ऊपर ही कोर्ट चलता है, लेकिन ये जो पेंडिंग केसेस है क्या कुछ है होना चाहिए कि ये सब चीज़ें सॉल्व हो, फटाफट केस सॉल्व हो चीज़ें, है ना कुछ ऐसा आप बोलना चाहिए? इसके लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि ये केसेस पेंडिंग है माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल पब्लिक को भी समझना चाहिए कि अभी जैसे हो गया कि छोटी मोटी बातें हो तो एक दूसरे में समझ लिया जाए तो उसकी वजह से केसेस ना बढ़े। और दूसरा एक पॉइंट होता है कि अभी लोक अदालत आया करता है, अच्छा। कि जो छोटे छोटे केसेस होते हैं जिसको चाहती है कोर्ट भी चाहती है कि ख़त्म कर दिया जाए, तो इसलिए हर 3 महीने 6 महीने में एक लोक अदालत आता है जिसमें छोटे छोटे केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको ख़त्म किया जाता है, तो केसेस तो पेंडिंग है मानते हैं, लेकिन बोलते हैं कि इसको ख़त्म करने का एक मेरे हिसाब से ये तरीका है कि छोटी मोटी बातें हों तो एक दूसरे से समझ के ले लिया जाए, या तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है एज एन पब्लिक। आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया दर्शकों को कि किस तरह से लीगल सिस्टम काम करता है, किस तरह से आपका एक रोल होता है रियल लाइफ में, और किस तरह से फिल्म थोड़ी सी अलग हटके होती है, सीधी सी बात है एंटरटेनमेंट के लिए होती है। इस फिल्म को जाते जाते ये कहूँगा कि 5 में से कितने स्टार देंगे, आपको कितना सही लगी या कितने स्टार देंगे वो बता दें? एज एन
स्टोरी एंड जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 3.5 स्टार रेटिंग होनी चाहिए और एंटरटेनमेंट के हिसाब से 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से जितेश जी जो एडवोकेट है और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं इन्होंने बताया, और आपको भी इसी तरह से बॉलीवुड की खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें जो भी होगी मैं बताता रहूँगा। फिलहाल आप सबसे लेता हूँ अलविदा, चलिए तब तक के लिए जितेश बाय बाय।